सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। शिवराज ने कहा, तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, लक्ष्य बड़ा है पर कोई चुनौती नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती है ये चुनाव, क्योंकि 400 पार का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है? कोई चुनौती नहीं है, चारों तरफ भाजपा के पक्ष में वातावरण है, नरेंद्र मोदी जी जनता के दिल में बसे हैं, सबकी श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हैं। एक लहर नहीं, आंधी चल रही है बीजेपी के पक्ष में, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने इसलिए हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार हम वापस आ रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तमाम वो दावे कर रहे हैं, तमाम गारंटी देने का काम भी कर रहे हैं, क्या लगता है उसका कुछ असर जनता पर पड़ेगा? आत्मविश्वास गायब है, भारत जोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है, जहां जहां वो गए कांग्रेस का बंटा ढार उन्होंने कर दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, वो अमृत कुंभ है, विकास का अमृत, जन कल्याण का अमृत उनने जनता को बांटा है, और दूसरी तरफ विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले राहुल गांधी जी हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वहां तक जाने से इनकार कर दिया, कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध किया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग अब देश में, जनता इसको पूरी तरह से नकार चुकी है। धन्यवाद सर। शिवराज सिंह चौहान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में मोदी की लहर और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सैलेंस सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। बीजेपी की तैयारी पूरी है उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें जीतेंगे हम। सुनिए उन्होंने क्या कहा। छत्तीसगढ़ के प्रखर वक्ता और तेज तर्रार नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरह से तैयारी है पूरे लेकर के। तैयारी तो भाजपा सदैव करती है, मतलब 8 काल 12 महीना होता है, चुनाव के समय पढ़ने वाले परीक्षा के समय पढ़ने वाले नहीं है भाई, हम लोग साल भर पढ़ने वाले लोग हैं। भाजपा के संगठन की गति बहुत अधिक है और अब चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी लक्ष्य बांध कर काम करेंगे, 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, ये लगातार आप लोग शुरू से दावा कर रहे हैं कि 11 के 11 सीटों पर जीत तय होगी। जिस तरह से महतारी वंदन योजना का प्रतिसाद मिला, कांग्रेस ने भी 1 लाख देने का घोषणा किया है, क्या लगता है कि मोदी की गारंटी इस पर भी पूरी तरह कामयाब होगी? भैया, ऐसी ही अनेक घोषणाएं उन्होंने पिछली बार भी की थी, पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी जनता ने विश्वास नहीं किया। अभी भी पिछले विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने तो 15,000 रुपया प्रतिमाह या प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, भाजपा ने तो 12,000 रुपये ही कहा था, लेकिन आम जनता ने, माताओं बहनों ने भाजपा का विश्वास किया जी। तो विश्वास तो होना चाहिए भाई, कोई चौराहे पर चौक रास्ता चलते कुछ भी बोल दे तो कैसे होगा। जो सरकार बनाने वाली पार्टी होती है उसके उस पर विश्वास के साथ जनता मतदान करती है। ये दावा कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी और कह रहे हैं अगर देश में डंका बजा है तो मोदी जी का बजा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर जीत है वो तय होगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसके बाद प्रशासन अब सड़कों पर उतरा है। सार्वजनिक स्थलों पर जो बैनर्स पोस्टर्स राजनीतिक दलों के लगे हुए हैं, जहां सड़कें अटी पड़ी हैं इनसे अब उन्हें हटाने का काम शुरू हो गया है। शाजापुर और जबलपुर में भी निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही नगर पालिका का अमला विभिन्न इलाकों में पहुंचा और सभी जगह लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर फ्लैक्स को हटा दिया गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए ये प्रशासन की एक जिम्मेदारी हो जाती है और ये ड्यूटी निभाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि पूरी गलियों में शहर के चौक चौराहों पर जो पोस्टर्स बैनर्स फ्लैक्सेस सब लगे हुए हैं ये हटाना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ज़रूरी हो जाता है और इसे
अब प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस जिम्मेदारी को निभाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और बैनर्स पोस्टर्स हटाने का काम लगातार अभी किया जाता रहेगा और इलेक्शन तक इसे मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योजनाओं के पोस्टर्स हटाने के काम शुरू हो चुके, तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखें अब सामने आ चुकी हैं और जिस तरीके से नगर पालिका यहाँ पर जो है अपने काम को करता हुआ नजर आ रहा है वो भी देखा जा सकता है कि पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं अब, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल राजनीतिक पोस्टर आप अब नहीं देख पाएंगे अपने इलाके में। लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये हटाने का कार्य देखा गया। तो लोकसभा चुनाव के ऐलान होते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है, सड़कों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर्स, योजनाओं के पोस्टर्स को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। आपको रायसेन, उज्जैन और निवाड़ी की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रशासन ने राजनीतिक दलों के पोस्टर्स को हटाने का काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता का पालन करते हुए नगर पालिका ने शहर में लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और दीवार पर बनाए गए ये प्रचार मिटाना शुरू कर दिया है। और आचार संहिता लगते ही नगर पालिका की टीम बाजारों में उतरी, होर्डिंग, फ्लेक्सेस हटाने का काम शुरू हो गया। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायसेन, उज्जैन और निवाड़ी से, जहां पर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और सक्रियता दिखाते हुए इन्हें हटाए जाने का काम किया जा रहा है। और ग्वालियर में भी आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया। शहर में कलेक्टर ने फ्लैग मार्च निकाला, कलेक्टर ने दलबल के साथ बाजारों से फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान खुद सड़कों पर पैदल चली। तो फ्लैग मार्च की तस्वीर आप देख रहे हैं, दलबल के साथ बाजारों में फ्लैग मार्च जागरूक करने के लिए। और साथ ही यहां पर आप देख रहे हैं तस्वीर, सड़कों पर पैदल चलती हुई नजर आई कलेक्टर रुचिका चौहान। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। अब तस्वीर आपको गरियाबंद की और अंबिकापुर की दिखाएंगे। दरअसल यहां आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने सियासी दलों को इस बारे में पाबंद किया कि आप बैनर पोस्टर ना लगाएं और